एक दिन तीन छोटे बादल आकाश से धरती पर सैर के लिए निकल पड़े। हरा भरा जंगल देखकर वे बहुत आनंदित हो गए। तीनों ने शर्त लगाई कि जो भी इस जंगल में सबसे अधिक पानी बरसाएगा वही इन तीनों में सबसे अधिक बलवान माना जाएगा। अतः तीनों बादल नदी की ओर दौड़ पड़े और नदी में से पानी लेकर वे जंगल पर बरसने लगे। उन दिनों अत्यधिक शीत पड़ रही थी। ऐसे में अचानक मूसलाधार बारिश देखकर जंगल के समस्त पशु पक्षी हैरान परेशान हो गए और वे ठंड में कांपने लगे। यह देखकर बिजली को अचरज हुआ। अरे, यह अचानक क्या होने लगा है? न तो बादल गरजे और न ही मैं चमकी, फिर भी मूसलाधार बरसात हो रही है। हवा ने भी अचानक हो रही बरसात को देखा और उसे भी आश्चर्य हुआ। हवा ने बादलों से पूछा, अरे आप सब यह क्या कर रहे हैं? एक बादल ने कहा, हमने शर्त लगाई है कि इस जंगल पर जो सबसे अधिक पानी बरसाएगा वही हम तीनों में सबसे अधिक शक्तिवान माना जाएगा। दूसरे बादल ने कहा, आप ही बताइए कि हम तीनों में कौन बलवान माना जाएगा। हवा ने कहा, यह निर्णय मैं किस प्रकार कर सकती हूँ? तीसरे बादल ने कहा, तो हम फिर दूसरी बार बरसना आरंभ कर देते हैं। बादलों की यह बात सुनकर जंगल के सभी पशु पक्षी डर गए और भय से थर थर कांपने लगे। जिस विधि से दूसरे का नुकसान हो वैसी शर्त नहीं लगानी चाहिए। जिद्दी बादल कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। अतः हवा को गुस्सा आया। उसने अपनी मंद गति को तेज कर दिया और तीनों बादलों को अपने में लपेट कर एक दूर रेगिस्तानी क्षेत्र में छोड़ दिया। हवा ने कहा, अब इस रेगिस्तान में तुम अपनी हार जीत का फैसला करो, मैं तो अब चली। उन छोटे बादलों ने ऐसा गर्म रेगिस्तान पहले कभी भी देखा नहीं था। गर्म रेत से गुजर कर आ रही तपन भरी लू से वे सब जकड़ने लगे। वे बहुत हैरान परेशान हो गए। उनका सारा पानी तो जंगल में ही बरस चुका था। वे बादल पूरी तरह बगैर पानी के हो गए थे। गर्मी के कारण आकुल व्याकुल बन गए थे। बादलों ने कहा, चलो हम घर की ओर चलते हैं। लेकिन उस बड़े रेगिस्तान में उन्हें घर का रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। बादल रास्ता भूल गए थे, इसलिए वे सब रोने लगे। बादलों को रोते हुए देखकर सूरज को दया आ गई। उसने हवा को समझाया। हवा ने सूरज की बात मानी और वह रेगिस्तानी क्षेत्र में गई। हवा ने कहा, अरे ओ घमंडी और उदंड बादलों, अब तुम्हें मालूम हुआ कि पानी का कितना महत्व है?
तुम मुझे वचन दो कि बिना मौसम के तुम कभी भी नहीं बरसोगे और ऐसी शर्त भी कभी नहीं लगाओगे जिससे दूसरों को किसी प्रकार की कठिनाई हो। बादलों ने कहा, हमें माफ कर दे, अब हम कोई भी शरारत नहीं करेंगे, कभी भी पानी का अपव्यय नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी को परेशानी हो। हवा ने तीनों बादलों की विनती सुनी, फिर तीनों बादलों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाया। अब तीनों बादल बहुत समझदार व आज्ञाकारी बन गए हैं, कभी भी उत्पात या धमाल नहीं करते हैं। गलत तरह की शर्त तो वे अब लगाना भूल ही गए हैं।